खाने का बहुत शौक था। वो जहाँ भी जिसके भी पास आइसक्रीम देखती उसी के पीछे चल पड़ती थी, मानो कि आइसक्रीम में ही उसकी जान बसती हो। अपनी इस आदत के लिए वो रोज अपनी माँ से डांट खाती, क्योंकि जब लोग बैठकर खाना खाते तो वो मैडम आइसक्रीम खाती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। आज निधि का जन्मदिन होता है और उसकी माँ आशा उसके कमरे में जाकर उससे बोलती है, अरे बेटा आज तो टाइम पर उठ जा, तेरे लिए इतना बड़ा दिन है, आज तो कम से कम भगवान के आगे हाथ जोड़ ले, उठ जा। क्या माँ, आज तो सोने दो, बहुत नींद आ रही है। क्यों, रात भर कौन से जगराते कर रही थी तू, जो तुझे सूरज चढ़ने के बाद भी नींद आ रही है? उठ रही है या लगाऊं एक कान के नीचे? माँ कम से कम आज के दिन तो मुझे मत डांटो, आज मेरा बर्थडे है, मुझे अपनी मर्जी से सोने दो ना। तू कौन सा आज ही पैदा हुई है जो तेरे ऊपर फूल बरसाऊं? तुझे पैदा हुए 21 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी तेरे अंदर दिमाग नहीं आया 21 साल वाला। अरे तेरे छोटे भाई बहन उनसे ही कुछ सीख ले, वही इतने समझदार है। अगर तुझे आइसक्रीम चाहिए ना तो 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आजा, वरना तेरे भाई बहन को दे दूंगी। नहीं माँ, आइसक्रीम किसी को मत देना, मैं 10 मिनट क्या 9 मिनट में आ रही हूँ नीचे। निधि के आने के बाद सभी लोग एक साथ पूजा करके निधि को जन्मदिन की बधाई देती है और उसके बाद निधि कॉलेज चली जाती है। वहाँ उसके सारे फ्रेंड उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं और उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और घर से लेकर बाहर तक सब उसे बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर उदासी छाई होती है। ये देखकर सब निधि से उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड पूजा कहती है, मैं बताती हूँ, हम सभी ने इसे सारे गिफ्ट दे दिए, लेकिन जिसमें इसकी जान बसती है वो तो दिया ही नहीं, आइसक्रीम के लिए उदास ही है। क्यों, सही कहा ना निधि? हाँ यार मान गई, तू सच में ना मेरी एकदम पक्की वाली सहेली है, और तू तो जानती है ना मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। बचपन से जानती हूँ तुझे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब ये बच्चों वाली हरकतें अच्छी नहीं लगती, और तू तो आइसक्रीम देखते ही सब भूल जाती है, बच्चों से भी ज्यादा बच्ची बन जाती है। हाँ यार कह तो सही रही है, पर चल छोड़, बात की बाद में देखेंगे, अभी मुझे आइसक्रीम खानी है। निधि और पूजा आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी निधि की माँ का कॉल आता है और वो बोलती है, भाई टाइम पर आ जाना, अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने मत निकल जाना, आज तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में घर में पार्टी है और पूजा को भी इनवाइट कर दिया है विद फैमिली। ओके माँ, पर मुझे अपने दोस्त से जाना। अपनी माँ की बात मानकर निधि कुछ देर में घर आती है। रात को सभी लोग तैयार होकर उसके घर पार्टी में पहुँचते हैं और बड़ी ही धूमधाम से निधि का बर्थडे मनाने के बाद सभी लोग खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन निधि की नजर तो बस आइसक्रीम के स्टॉल पर ही टिकी रहती है। जैसे ही सबकी नजरें उससे हटती है तो वो मौका देखकर आइसक्रीम के स्टॉल पर पहुंच जाती है और आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर देती है। वहीं उसकी नजर एक लड़के पर जाती है जो उसे बहुत से देख रहा होता है। तभी वो उसके पास जाकर बोलती है, एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है और क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आप मुझे इतनी देर से घूर रहे हैं? वैसे मेरा नाम राजीव है और मेरे दोस्त मुझे प्यार से राज कहते हैं, और मैं आपको घूर नहीं रहा था, देख रहा था आइसक्रीम खाते हुए। क्यों, पहले किसी लड़की को आइसक्रीम खाते नहीं देखा? लड़कियाँ तो बहुत देखी हैं, लेकिन आपके जैसी बच्चों की तरह आइसक्रीम खाती लड़की पहली बार देख रहा हूँ। मुझे आपकी ये फालतू की बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप तो गुस्सा, मैं तो बस आपकी तारीफ कर रहा था कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं आइसक्रीम खाते हुए। आपने मुझसे मेरा नाम पूछ लिया पर खुद का नहीं बताया। जिस पार्टी में आप आए हो ना, उसके इनविटेशन कार्ड पर मेरा ही नाम होगा, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। राजीव को निधि पहली नजर में भा जाती है और वो उससे शादी करने की इच्छा अपने घर वालों के सामने रखता है, जिसके कुछ दिनों बाद राजीव अपनी माँ लक्ष्मी के साथ निधि के घर आता है और देख दिखाई करके रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके कुछ ही समय बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद निधि अपनी जिम्मेदारियों से अनजान सिर्फ अपने में ही रहती थी। ऐसे ही एक रोज उसकी सास उसे बुलाकर बोलती है, बहू एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी मुझे चाय बनाना नहीं आता। कोई नहीं बहू, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, जब तुम्हें चाय बनाना नहीं आता तो घर का कोई काम नहीं आता होगा। सही पकड़े हैं माँ जी, घर के किचन में सारा काम मेरी माँ,
और मेरी छोटी बहन ही किया करती थी। कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। इतना कहकर लक्ष्मी घर के सारे काम निधि को धीरे धीरे सिखाना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ हफ्ते निकल जाते हैं, लेकिन निधि को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसे घर का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो अपनी सास को कुछ बोल भी तो नहीं पाती। ऐसे ही कुछ दिन बाद लक्ष्मी फिर से अपनी बहू को आवाज देती है और बोलती है, बहू जल्दी तैयार हो जाओ, हमें मार्केट जाना है कुछ सामान लेने के लिए। ठीक है माँ जी, अभी आती हूँ। बहू तुम्हें मार्केट करना आता है कि नहीं? नहीं माँ जी, मेरे घर में सारा मार्केट का काम मेरी माँ ही करती थी। तो तुम क्या करती थी? जब सारा काम तुम्हारी माँ करती थी तो तुम्हें कुछ करना पसंद था भी या नहीं? है ना माँ जी, आइसक्रीम खाना। आइसक्रीम खाना ही पसंद है। ऐसे ही बात करते करते दोनों मार्केट निकल जाती हैं और वहाँ जाकर घर का सामान खरीद ही रही होती है कि तब निधि की नज़र मार्केट में खड़े आइसक्रीम के स्टॉल पर पड़ती है। कुछ देर तक तो वो अपने आप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वो आइसक्रीम स्टॉल पर जाती है और नॉनस्टॉप बहुत सारी आइसक्रीम खाती है। उसे बच्चों की तरह आइसक्रीम खाता देखकर आसपास के लोग भी हंसने लगते हैं, और जो लक्ष्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो निधि से कहती है, तुम ये मार्केट में क्या कर रही थी? आइसक्रीम खा रही थी माँ जी। ऐसे कौन आइसक्रीम खाता है? तुमने देखा नहीं सब तुम्हारी इस आदत पर कितना हंस रहे थे? तुम कोई बच्ची नहीं हो समझी? आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूँ माँ जी, जब भी मैं कोई आइसक्रीम का स्टॉल देखती हूँ ना तो मुझसे रुका ही नहीं जाता और मैं बच्ची बन जाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बाद लक्ष्मी और उसकी पूरी फैमिली एक पार्टी में जाते हैं और लक्ष्मी वहाँ सभी लोगों को अपनी बहू निधि से मिलवाती है। और कुछ देर बाद लक्ष्मी की नज़र पार्टी में लगे आइसक्रीम की स्टॉल पर जाती है और उसे देखते ही देखते वो अपनी बहू निधि को साइड में ले जाकर बोलती है, देखो बहू, मुझे पता है कि तुम्हें आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, लेकिन हम अभी कहीं बाहर जा रहे हैं, वो भी किसी और की पार्टी में, जहाँ हमें जानने पहचानने वाले बहुत लोग हैं, तो सबके सामने हमारी इज्जत खराब मत करना। तुम्हें जितनी आइसक्रीम खानी होगी घर आकर खा लेना, लेकिन वहाँ पर कोई तमाशा मत करना मार्केट वाले दिन की तरह, समझ आई? ठीक है। लक्ष्मी के इतना समझाने पर भी निधि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और फिर से आइसक्रीम स्टॉल पर जाती है और सारे आइसक्रीम खुद खा जाने की ही जिद करती है। बच्चों से भी लड़ाई करती है जिसे देखकर सब उसका मजाक बनाते हैं। और अगले दिन सुबह कुछ औरतें फिर से लक्ष्मी के घर आकर उसकी बहू को लेकर उसे खूब बुरा भला सुनाती है। अपनी वजह से अपनी सास को शर्मिंदा होता देखकर निधि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी ये आदतें सुधारने का फैसला लेती है। कीर्ति बिना कोई जवाब दिए अपने रूम में चली जाती है और खुद से सवाल करती है, क्या मुझे सच में किसी से प्यार हो गया है? क्या वो बारिश है या फिर विवान? जहाँ कीर्ति ये सब कुछ सोच रही होती है, वहीं दूसरी तरफ विवान भी कीर्ति के बारे में सोचता है और फिर बोलता है, कुछ तो बात है कीर्ति में जो मुझे बार बार उसकी याद दिला रही है, पर ऐसा क्या? दोनों से ये सवाल करके सो जाते हैं और अगले दिन अपने काम के लिए निकलने लगते हैं। आज मौसम साफ था, ये देखकर कीर्ति अपनी स्कूटी लेने के लिए निकलते हुए खुद से बोलती है, थैंक गॉड आज मौसम साफ है। हाँ, और तू मैकेनिक से अपनी स्कूटी लेकर चली जाना और मैं वहाँ से अपने दफ्तर निकल जाऊंगा। इतना बोलकर प्रदीप कीर्ति के साथ छाता लेकर निकलने लगता है, जिस पर कीर्ति अपने पापा से कहती है, डैडा ये छाता क्यों? आज तो मौसम बिल्कुल साफ है। वो तो है बेटा, पर सावन चल रहा है और सावन में बेटा बारिश का क्या पता कहीं भी बरस जाए। ये सब बोलकर दोनों बस स्टैंड पर जाते हैं, जहां अचानक से मौसम का रुख बदलने लगता है। दोनों बाप बेटी एक बस स्टैंड के नीचे खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वहां विवान आ जाता है और अपनी कार की विंडो को थोड़ा सा नीचे खोलकर कीर्ति से बोलता है, कीर्ति मेरी कार में आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वैसे भी मौसम बहुत खराब हो गया है, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। नो थैंक्स, मैं मैनेज कर लूंगी। कीर्ति के मना करने पर विवान कार से उतरकर उसके पास जाता है और उससे कहता है, क्या यार मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, देखो कितनी तेज हवा चल रही है और आज तुम्हारे पास स्कूटी भी नहीं है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बेटा बैठ जाओ, अगर ये इतना ही बोल रहा है तो। वही तो अंकल, मैं इसे कब से समझा रहा हूँ, अब आप ही समझाओ इसको।
डैडा। कीर्ति के मुंह से डैडा सुनकर विवान थोड़ा हैरान हो जाता है, पर प्रदीप उसे कुछ नहीं बोलता और कीर्ति के हाथों में छाता देकर उसके साथ जाने की इजाजत देकर खुद वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। और कीर्ति विवान की कार में बैठकर उससे बोलती है, यार हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं और पता नहीं अब डैडा क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। यार मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था और मुझे क्या पता कि वो हमारे पापा हैं। कोई बात नहीं। दोनों बात करते हुए जा ही रहे होते हैं कि फिर से बारिश होती है, पर इस बार कीर्ति को बारिश से नफरत नहीं होती बल्कि उसको बारिश अच्छी लगती है और उसकी नज़र एक बार फिर से उसी चाय वाले पर पड़ती है जहां वो दोनों ने पहली बार चाय पी थी। चाय वाले को देखते ही कीर्ति विवान से कार रोकने को बोलकर उससे कहती है, विवान वो देखो वही चाय वाला जहां हम दोनों ने एक साथ चाय पीकर सावन बारिश के मजे लूटे थे, चलो एक बार फिर से गरम गरम चाय हो जाए। पर अभी बारिश हो रही है, तुम भीग जाओगी और तुम्हें बारिश भी नहीं पसंद। मेरा क्या है, मैं तो हंसते हंसते भीगते हुए चला जाऊंगा। ये बोलकर उसकी नज़र कीर्ति के छाते पर पड़ती है और वो उससे बोलता है, सॉरी मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे पास छाता है। ये बोलकर विवान कार से बाहर निकलता है और कीर्ति के लिए उसका छाता कार से निकाल कर खोलता है और उसको चलने के लिए बोलता है। कीर्ति कार से बाहर निकल कर उसके हाथों से छाता लेकर साइड में रख देती है और फिर कहती है, अब चलते हैं। सच में तुम्हें बारिश से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम्हें पता है मैं हर जगह अपनी खुशियों को ढूंढा करती थी पर वो मुझे कहीं मिलती ही नहीं थी, पर जब से मुझे इस बारिश से प्यार हुआ है ना मुझे मेरी सारी खुशियाँ मिल गई। उसकी ये बात सुनकर विवान उसको देखता रहता है और थोड़ी ही देर के बाद उन दोनों की चाय आ जाती है जिसको पीते हुए विवान खुद बोलता है, तुम्हें इस सावन की बारिश से प्यार हो गया और मुझे सावन की बारिश में तुमसे। कुछ ही देर के बाद बारिश की बूंदें बंद हो जाती है और विवान उसको मैकेनिक के पास छोड़कर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। वहीं कीर्ति अपनी स्कूटी लेकर अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसको विवान के बारे में सब बताती है। तो वहीं दूसरी तरफ विवान ऑफिस में पहुंचते ही अपने दोस्त के टेबल से फाइल उठाकर उससे बोलता है, भाई तेरे भाई को प्यार हो गया। साले तुझे तो पहले से ही बारिश से प्यार है। अरे वो तो था पहले से, इस बारिश में मुझे लड़की से प्यार हो गया है। ये बोलकर वो अपने दोस्त को कीर्ति के बारे में सब बताता है। तो वहीं कीर्ति लीजा से कहती है, मैं जब भी इससे मिलती हूँ तो बारिश होती है, कहीं विवान ही मेरे सावन का साजन तो नहीं? जैसा तूने बोला था मुझे बारिश से प्यार हो गया है और मुझे बारिश से प्यार करना उसी ने सिखाया है। अगर ऐसा है तो तू उसको अपने दिल की बात बता दे। अपने दोस्त के कहने पर वो फैसला लेती है कि वो विवान को अपने दिल की बात बता देगी और विवान भी यही सोच रहा होता है। ऐसे ही दो दिन निकल जाते हैं पर इन दो दिनों में ना तो बारिश होती है और ना ही उन दोनों की मुलाकात। तीसरे दिन विवान को याद करते हुए कीर्ति उसी चाय वाले की दुकान पर जाती है जहां उन दोनों ने एक साथ चाय पी थी और वहां जाकर वो विवान को याद करते हुए बोलती है, इन दो दिनों में ना तो बारिश हुई और ना ही तुमसे मुलाकात हुई, अब तो बारिश का और तुम्हारा दोनों का ही इंतजार है। कीर्ति ये सोच ही रही होती है कि तभी तेज हवाएं और एक साथ बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं, जिसे देखकर विवान खुद से बोलता है, ये बारिश जरूर कीर्ति मेरे आसपास ही है। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने के लिए पीछे मुड़ते हैं जहां वो एक दूसरे को अपने सामने देखते हैं, जिसके बाद विवान उसे गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताकर अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और एक साथ भीगते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन कीर्ति किसी काम से बाहर जाती है जहां वो विवान को किसी अनजान लड़की के साथ कार में जाते हुए देख लेती है और उसके जाते ही कीर्ति विवान को फोन करके उससे बोलती है, हेलो विवान कहाँ हो तुम? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इतना बोलकर विवान फोन काट देता है, जिसके बाद कीर्ति उसको काफी के बाद विवान का अचानक कीर्ति के पास कॉल आता है और वो खुश होकर उससे बोलता है, कीर्ति मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, इसलिए अब जल्दी से मुझे मिलो वहीं जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी चाय की शॉप पर। विवान अपनी बात बोलकर फोन रख देता है और कुछ ही देर के बाद कीर्ति विवान से मिलती है पर उसके बिना कोई बात सुने ही वो उससे कहती है, सावन चल रहा है
एवरीवन, और जब भी हम मिलते हैं बारिश हमेशा होती है, लेकिन आज बारिश नहीं हुई। पता है क्यों? क्या हुआ कीर्ति? तो सुनो, आज हमारे मिलने का और इस सावन की बारिश का आखिरी दिन है, इसीलिए ये बारिश नहीं हुई। हमारे रिश्ते की तरह तुमने मुझे धोखा दिया है विवान। इतना बोलकर कीर्ति रोते हुए वहाँ से चली जाती है और विवान वहीं खड़ा होकर रोते हुए खुद से सवाल करता है, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो कीर्ति मुझसे इतना दूर हो गई। अपने नए घर में आकर मन्नत बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसके साथ उसकी दोस्त विनी भी थी। जिंदगी में इतने ज्यादा स्ट्रगल के बाद आखिरकार आज मुंबई जैसे बड़े शहर में उसका खुद का घर था। इस बात की खुशी के साथ साथ गौतम के प्रपोजल को याद करते हुए मन्नत अपनी दोस्त से कहती है, विनी यार, आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अच्छा जी, तुम्हारी मेहनत तो मैंने देखी है मन्नत। आखिरकार तुम्हारे दोस्त होने के साथ साथ तुम्हारी असिस्टेंट भी हूँ। लेकिन ये खुशी सिर्फ यहाँ तक पहुँचने की नहीं है। और क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? वैसे तो तू मेरी हर बात बिना बताए समझ जाती है, तो सोच आज क्या बात होगी। समझ तो मैं आज भी गई हूँ कि बात गौतम से रिलेटेड है, लेकिन एक्चुअल बात क्या है वो तुम बताओ अब। हाँ सही समझी तुम, कल मैं और गौतम डिनर पे गए थे। उसने मेरे लिए होटल में सबसे एक्सपेंसिव रूम बुक किया था। वहाँ की डेकोरेशन इतनी ब्यूटीफुल थी कि तुझे क्या ही बताऊँ। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो मेरे बहुत करीब आया। तुझे पता है पहली बार हम एक दूसरे के इतने करीब आए थे। फिर उसने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या कहा बताओ मन्नत, क्या कहा गौतम ने? अरे इतनी उतावली मत हो, बता रही हूँ। फिर उसने कहा, मन्नत तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम्हारे साथ रहकर मैं बस तुम में खो जाता हूँ। मुझे आज तक किसी की इतनी परवाह नहीं हुई जितनी मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। मेरे लिए तो तुम बहुत खास हो, इसलिए मैं तुमको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। हमेशा के लिए मतलब? मतलब ये आई लव यू मन्नत, विल यू प्लीज मैरी मी। क्या उसने तुमको शादी के लिए प्रपोज किया? आगे क्या हुआ, तुमने उसको क्या जवाब दिया? आगे सीरियसली गौतम, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह माय गॉड, आई एम सो लकी। मैडम मैं आपके लिए पूरा दिन घुटनों पे जवाब दे सकती हैं। उसके बाद मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओह सॉरी सॉरी, खुशी खुशी में मैं तो भूल ही गई कि तुम नीचे बैठे हो। उठो। गौतम उठकर मन्नत को एक बार फिर से अपने करीब खींच लेता है, जिसके बाद वो उसे बड़े ही रोमांटिक अंदाज से कहता है, तो मैडम अब आप मुझे बताओगी कि मैं आपको पसंद हूँ या नहीं? वैसे इतना हैंडसम सा लड़का आपको प्रपोज कर रहा है तो जवाब तो हाँ ही होगा आपका, पर फिर भी दे दीजिए जवाब, दे दीजिए ना। अच्छा जी, अगर आप इतने हैंडसम हैं जनाब, तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। एंड आई लव यू सो मच, और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। यस, ये हुई ना बात। वैसे जब आपने हाँ ही कर दी है तो क्यों ना आज रात मिनी हनीमून मना लिया जाए। अच्छा जी, बहुत जल्दी है तुम्हें। इस हसीन रात में आप जैसी खूबसूरत दिलबरा का साथ होना किसी भी आशिक को बेकाबू कर सकता है मैडम। गौतम मन्नत के बेहद ही करीब आ चुका होता है। दोनों के होठ आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मानो सालों के प्यासों को पानी नसीब हुआ हो। जिसके बाद दोनों उस रात में खो से जाते हैं और एक दूजे को इतने ज्यादा पैशन के साथ किस करते हैं, मानो आज की जैसी रात दोबारा कभी उनके जिंदगी में आनी ही ना हो। आज की रात दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा यादगार सी होने वाली थी। लेकिन गौतम का फोन बजता है, तो वो फोन पर बात करने के बाद मन्नत से कहता है, बेबी आई एम रियली सॉरी, पर मुझे अभी प्रोडक्शन हाउस जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, इतना ही अर्जेंट काम है तो तुम जाओ, मैं घर चली जाऊंगी। यू आर सो स्वीट बेबी, आई लव यू सो मच। मैं फ्री होके तुमको कॉल करूंगा, जब तक तुम अपने घर चले जाना, ठीक है? उसने तुमको प्रपोज किया और फिर एक कॉल आने पर तुमको छोड़कर चला गया? ऐसा क्या काम आ गया उसको अचानक? तुमने उससे पूछा कहाँ जा रहा है वो? मन्नत टेबल पर रखा ड्रिंक का गिलास उठाते हुए अपने फ्लैट की विंडो के पास जाकर बोलती है, यार होगा उसे कोई अर्जेंट काम, अब वो एक प्रोड्यूसर है, न जाने उसे दिन में कितने काम होते हैं। विनी अपने सामने लगे टीवी को रिमोट से ऑन करते हुए कहती है, ठीक है मन्नत, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए कि फाइनली उसने तुमको प्रपोज किया, लेकिन तुमको अपने करियर पर भी ध्यान देना चाहिए। मॉडल बनी हो तुम, हीरोइन बनने के लिए अब भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हाँ विनी, आई नो, तुम भी ना
फ्रेंड मोड से पता नहीं कब असिस्टेंट मोड में आ जाती हो, पता ही नहीं चलता। तुम सुन रही हो ना? मन्नत विनी को जवाब देती है, लेकिन तभी उसका ध्यान टीवी में चल रही न्यूज पर जाता है, जहां दिखाया जा रहा होता है कि आरके टाइम्स की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस हुई फाइनल, केवी ग्रुप की नीता राठौर ने मारी बाजी। ये सुनकर विनी के होश उड़ जाते हैं, तो वो मन्नत ला रही हो, एक तो तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ओ मन्नत, वो सब छोड़ो, ये न्यूज़ देखो। मन्नत वो न्यूज़ देखकर हैरान हो जाती है और विनी से कहती है, ये कैसे हो सकता है? इस फिल्म के ऑडिशन के लिए तो मैं गई थी, लेकिन वहाँ बोला गया था कि ऑडिशन 2 दिन बाद होगा, और अगर ऑडिशन कल है तो हीरोइन आज फाइनल कैसे हो सकती है, वो भी गौतम प्रोडक्शन कंपनी से निदा, जबकि वहाँ तो मैं गई थी ऑडिशन के लिए। तुम्हें ये किसने कहा कि ऑडिशन 2 दिन बाद होगा? गौतम ने। एक्चुअली मैं ऑडिशन देने के लिए आरके टाइम ऑफ प्रोडक्शन हाउस गई थी, गौतम भी मेरे साथ था। मेरा नंबर आने वाला था, मैं बाहर बैठी जूस पी रही थी, फिर पता नहीं अचानक मुझे चक्कर आने लगे। जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि मैं गौतम के कंधे पर सर रख के सो रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए उससे पूछा, मेरे ऑडिशन का क्या हुआ? अरे मन्नत, वो ऑडिशन कैंसिल हो गया ना। एक्चुअली डायरेक्टर को जरूरी काम आन पड़ा था, इसलिए उन्होंने आज का कैंसिल करके 2 दिन बाद बुलाया है। मन्नत की सारी बातें सुनने के बाद विनीत से बोलती है, अच्छा ये बताओ तुम्हें वो जूस किसने दिया था? गौतम ने। मुझे लग ही रहा था ये सारा किया धरा गौतम का ही है। वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है। आई एम श्योर उसने ही जूस में कुछ ना कुछ मिलाया होगा। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? क्यों किया ये नहीं जानती, पर हाँ पता जरूर लगा कर रहूंगी। तुम चिंता मत करो, बस आगे इतनी आसानी से किसी पर भी भरोसा मत करना। मुझे नहीं लगता भी नहीं कि गौतम ने ये सब किया है, वो तो मुझसे शादी करना चाहता है ना। यही तो पता लगाना है मन्नत, ये रोल तुम्हारी लाइफ बदल सकता था, यहाँ तक कि तुम पूरी तरह से इस रोल के लिए परफेक्ट थी। इसके बावजूद बिना ऑडिशन दिए निदा का फाइनल होना मुझे बहुत खटक रहा है। हाँ पता तो लगाना पड़ेगा, अगर इसमें गौतम या फिर निदा की कोई साजिश हुई ना तो मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम करोगे क्या? और वैसे भी जब तक उस गौतम का सच सबके सामने नहीं आता ना, तब तक तुम्हें पता नहीं लगेगा कि वो कितना बड़ा चालबाज और कमीना इंसान है। अरे तुम बेवजह ही शक कर रही हो, गौतम ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो मुझे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है और वो तो मुझसे शादी करना चाहता है, फिर वो मुझे धोखा क्यों देगा? तुम देखना गौतम का सच मैं तुम्हारे सामने ला कर रहूंगी, और उसका असली चेहरा कितना घिनौना है ये तुम बहुत जल्द समझ जाओगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।